हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हेडिंग हम लोग लगाते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों, आज हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे। अच्छा, मैंने आपको नोमेनक्लेचर का एक स्ट्रक्चर बताया था, वो स्ट्रक्चर आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्या स्ट्रक्चर था बच्चों? सबसे पहले हम लोग को क्या ऐड करना है, प्रीफिक्स जोड़ना है, फिर रूट वर्ड, वर्ड रूट या हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं, फिर हम लोग क्या जोड़ते हैं, प्राइमरी सफिक्स, फिर हम लोग क्या जोड़ते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। बच्चों, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में हमेशा रखना है, ठीक है। इसमें बच्चों कौन आता है, सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। इसमें बच्चों क्या आता है, अगर कार्बन अगर वन हो तो हम लोगों ने क्या रूट वर्ड यूज किया था, मेथ। कार्बन अगर दो हो तो ईथ। इस तरह से अगर कार्बन थ्री होगा तो क्या लिखेंगे, प्रो, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। और ये प्राइमरी सफिक्स में बच्चों हम लोगों ने क्या जोड़ा था, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लोगों को क्या जोड़ना है, आई। और ये जो बच्चों सेकेंडरी सफिक्स है, ये फंक्शनल ग्रुप का केस है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप का जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो वहाँ इस सेकेंडरी सफिक्स को डिटेल्स में देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, इसको आप याद करो, तभी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आसानी से सीख पाओगे। बच्चे, ये जो नोमेनक्लेचर मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्लास 10th स्टैंडर्ड का नोमेनक्लेचर है। इसको मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, ये स्पेशली दिस नोमेनक्लेचर इज स्पेशली मेड फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ये आपको ध्यान में रखना है, जब मैं 11th और 12th से पढ़ाऊंगा तो और इसको डिटेल्स में बताऊंगा। तो यहाँ पर आज हम लोग फोकस करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर पे। बच्चों, इसके कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर वन, पहला रूल क्या होता है बच्चों, यहाँ भी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बच्चों, यहाँ भी आपको एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किए थे, हम लोग यहाँ भी इसको सेलेक्ट करेंगे। बच्चों, इसका रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन विच मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट। बच्चों, ये मल्टीपल बॉन्ड मीन्स व्हाट, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आपको वह चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारा एक चेन है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये तो आपको पता है इस कार्बन के कितने हाइड्रोजन होंगे, दिस कार्बन कंटेन्स हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, दिस कार्बन 2, दिस कार्बन आल्सो 2, दिस वन 1 2 3 4। बच्चों, इस कार्बन का टेट्रावेलेंसी ऑलरेडी पूरा हो चुका है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ भी 2 होगा। अच्छा, अभी तक जो आपने रूल पढ़ा था बच्चों, उस अनुसार इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, क्या आपने पढ़ा था कि दो चेन इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज प्रेजेंट इज लॉन्गेस्ट चेन। तो अभी तक आपने जो पढ़ा था उस अनुसार आपका लॉन्गेस्ट चेन तो ये होगा, क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन बच्चों, यहां अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में अगर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन इन विच मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या अगर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करोगे तो क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ आपका नहीं आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड आपका छूट जा रहा है, इसलिए आप इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर नहीं करोगे, ये गलत हो जाएगा। तो आपका लॉन्गेस्ट चेन इसमें कौन होगा बच्चों, आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा ये जो आप सीधा स्ट्रक देख रहे हैं, स्ट्रेट चेन जो है ना, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा बच्चों। 1 2 3 4 5 से 5 ही कार्बन है, फिर भी मैं इसी को लॉन्गेस्ट चेन ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा मल्टीपल बॉन्ड लाइज कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यही हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो आपको क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट कर लेना। चलो एक दूसरा एग्जांपल बताते हैं।
चलो ये हमारा कार्बन है, ठीक है। अब हमको बताओ बच्चों कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते हैं, कार्बन और इधर बढ़ा लेते हैं, 7 कर लेते हैं। अच्छा बच्चों अकॉर्डिंग टू रूल, अच्छा ये तो आपको पता होना चाहिए इसके कितने हाइड्रोजन होंगे। अब मैं ये जो हाइड्रोजन मेंशन कर रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 यहाँ एक हाइड्रोजन होगा बच्चों, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा। अच्छा बच्चों इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 बच्चों इसमें ये देखो ये जो चेन आप देख रहे हो ना ये इसमें 6 कार्बन है, उसमें हमारा डबल बॉन्ड भी लाइट कर रहा है। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट चेन को लॉन्गेस्ट चेन ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों इसमें 7 कार्बन है, लेकिन ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगा। अगर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो बच्चों ये गलत हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं होगा, आपका ये जो चेन है नहीं ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लाइट कर रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मान लो कि अगर ऐसा सिस्टम आता है कि इसमें कार्बन भी ज्यादा होगा और उसमें हमारा मल्टीपल बॉन्ड होगा तो वो मेरे लिए और फेवरेबल कंडीशन होगा, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में इसको आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट रूल सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन शायद आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ रूल नंबर 2 बच्चों ये क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है बच्चों कि अब हम नंबरिंग किस इंड से करें। रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट्स चेन, बच्चों पेरेंट्स चेन आप समझ रहे हो जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन है उसको पेरेंट्स चेन कहेंगे, कार्बन एटम इज डन फ्रॉम दैट इंड, उस इंड से करेंगे इन विच मल्टीपल बॉन्ड बियर लेसर नंबर। बच्चों इस केस में ध्यान देना है कि हमको नंबरिंग उस एंड से करना है जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पे क्या है लेसर नंबर। चलो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये केस है बच्चों, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब आप बताओ हमको इस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में हम इसका नंबरिंग किस इंड से करेंगे। अगर मैं नंबरिंग किस इंड से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 बच्चों ये फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है, 4 5 6 7 8 डबल बॉन्ड का बच्चों यहाँ पोजीशन क्या है, फिफ्थ है। लेकिन अगर मैं नंबरिंग इस इंड से करता हूँ तो हमारा डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है। तो ये रूल कहता है कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट्स इन कार्बन एटम इज डन फ्रॉम दैट इंड इन विच मल्टीपल बॉन्ड बियर्स लेसर नंबर। बच्चों इस साइड से जब नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड हमारा थर्ड पोजीशन पे है, और जब हम नंबरिंग इस इंड से करते हैं तो डबल बॉन्ड हमारा फिफ्थ पोजीशन पे है। सो हमारा करेक्ट कौन होगा, करेक्ट होगा हम अगर इस इंड से अगर नंबरिंग करते हैं तो, ये हमारा करेक्ट नंबरिंग मेथड है, ये हमारा सही मेथड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, अब हमको इस कंपाउंड का नाम लिखना है क्योंकि हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने आ गया, नंबरिंग किस इंड से करेंगे ये अगर आपको समझ में आ गया तब आप आसानी से आप किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, हमारा यह एक कंपाउंड है, हमको इस कंपाउंड का नाम लिखना है, इसमें बच्चों मल्टीपल बॉन्ड भी है। अगर मैं इसमें इसका नंबरिंग करूं तो ये 1 और ये क्या हो गया 2। अच्छा बच्चों इसका नाम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा बच्चों इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कहां से, रूट वर्ड से। बच्चों इसमें कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ईथ, या पढ़ चुके हैं, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ होता है। तो इसमें बच्चों डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो इसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स होगा उसमें हमको क्या लगाना है, इन लगाना है। लेकिन ये डबल बॉन्ड बच्चों किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस इन। बच्चों ये डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए हम यहाँ 1 लिखे हैं, और चूंकि प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, इन। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इथीन। अच्छा बच्चों अगर ये डबल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट होता है,
फर्स्ट पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड है, इस पोजीशन को आप मेंशन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ तो हमारा कंपाउंड का नाम इसका क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बच्चों आप इसको ईथ वन इन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको, ईथ वन इन। लेकिन अगर पोजीशन, अगर फर्स्ट पोजीशन पे अगर आपका मल्टीपल बॉन्ड लाइज कर रहा है ओनली फर्स्ट पोजीशन पे, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। तो यहाँ से इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथीन। चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मान लो ऐसा ही कंपाउंड है, ठीक है, हमको इस कंपाउंड का नाम लिखना है बच्चों। तो आप देखो यहाँ पे इसमें भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसमें इसके लिए जो हमारा वर्ड रूट होगा ये क्या होगा, तीन कार्बन के लिए आपने वर्ड रूट पढ़ा है, प्रूफ है। डबल बॉन्ड यहाँ भी फर्स्ट पोजिशन पे है बच्चों, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग को प्राइमरी सफिक्स क्या लेना है, इन लेना है, प्रोप वन इन। अच्छा बच्चों इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपीन। हमने आपको क्या बताया, अगर फर्स्ट पोजिशन आता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड का तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चों ये कंपाउंड है हमारा, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ थ्री हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन बैठाकर मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन की टेट्रावेलेंसी को पूरा कर रहा हूँ। तो बताओ बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। इसमें नंबरिंग हम किस इन से करेंगे, वन डबल बॉन्ड यहाँ सेकेंड पोजिशन पे है, अगर मैं इस इन से नंबरिंग करता हूँ तो वन टू थर्ड पोजिशन पे डबल बॉन्ड है, सो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस इन, इस इन से आपका नंबरिंग होगा। बच्चों यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो रूट वर्ड में कितने कार्बन है, फाइव कार्बन। फाइव कार्बन के लिए रूट वर्ड बच्चों होता है पेंट, ठीक है। अच्छा पेंट, इसके बाद आपको क्या लिखना है बच्चों, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, पेंट टू इन। अच्छा क्या बच्चों यहाँ पर इस पोजीशन को मैं स्किप करूंगा, नहीं, यहाँ पर आपको इस पोजीशन को स्किप नहीं करना है। किस पोजीशन को स्किप करना है, सिर्फ अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लाइज कर रहा है उसी को आप स्किप कर सकते हैं, सेकेंड पोजीशन पे जो अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो एक और एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड टाइप केस देखते हैं हम लोग बच्चों। मान लो हमारा इस तरह का कंपाउंड है बच्चों, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, क्या नाम होगा इसका, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड बच्चों क्या होता है, ईथ होता है, ईथ। चूंकि ये फर्स्ट पोजिशन पे ही हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो ईथ वन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारा प्राइमरी सफिक्स बच्चों होता है वाई एन ई, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है? आप इस पोजीशन को स्किप कर सकते हो, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। क्लियर। अब बच्चों आप इसका नाम खुद से बताओगे, इसका क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, CH3 CH2 CH2। बच्चों इस कार्बन का टेट्रावेलेंसी ऑलरेडी पूरा हो चुका है, 1 2 3 4। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे बच्चों कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो बताओ बच्चों इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट चेन लेना है, तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग किस इन से होगा, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस इन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। ये ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे लाइज कर रहा है, सेकंड पोजीशन पे, ये ध्यान रखना है। तो सिक्स कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड क्या होता है, सिक्स कार्बन के लिए हेक्स होता है, ठीक है बच्चों। ये ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे लाइज कर रहा है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स आपका आयन होता है, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हेक्स टू आयन, ठीक है बच्चों। तो आपको शायद ये नोमेनक्लेचर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों एक सब्स्टिट्यूएंट का भी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो हमारा यहाँ बच्चों डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है CH3। अब बच्चों इस कंपाउंड का हमको नाम लिखना है। ये तो आपको पता है यहाँ तीन हाइड्रोजन होंगे, यहाँ एक होंगे, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा बच्चों, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ दो होगा, यहाँ भी दो होगा और लास्ट में थ्री होगा। अच्छा बच्चों इस कंपाउंड में हम नंबरिंग किस इन से करेंगे, 1 2 सेकेंड पोजिशन पर डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, इधर सेल करते हैं 1 2 3 4 फिफ्थ पोजिशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड, 4 5 6 7। अच्छा बच्चों ये जो सब्स्टिट्यूएंट आप देख रहे हो किस पोजिशन पे, फोर्थ पोजिशन पे, तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फोर। बच्चों यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट में एक कार्बन है तो इसका नाम होगा मिथाइल, 4-methyl। अच्छा मेन चेन में बच्चों 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है हेप्ट, और ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, टू इन। ये बच्चों इस कंपाउंड का नाम हो गया।
तो इस तरह से बच्चों हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना है, थैंक यू।